हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं, वहीं चुनाव आयोग भी लगातार अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। और इसी को लेकर चंडीगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बीएसपी और सीपीआई समेत कई पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी प्रतिनिधियों से सुझाव मांगने के साथ ही उन्हें कई हिदायतें भी दी। चीजें हैं जो इस चुनाव के अंदर पिछले चुनाव से भिन्न होंगी। इस चुनाव में एक पहले सिर्फ सर्विस वोट होती थी पोस्टर, तो इस बार एक नया प्रावधान दिया गया है कि जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं, हैंडीकैप हैं या कोविड प्लस हैं, ऐसे लोगों को भी पोस्टल वोट का अधिकार रहेगा। दूसरी बात एक और है कि अगर किसी के वहाँ पर इस बार कुछ टेस्ट होंगे और जो भी वोटर होंगे, हर प्रत्येक वोटर को एक ग्लव दिया जाएगा जिसको वो जिससे वो वोट डालेगा और उसके बाद वहीं पर उस ग्लव को डिस्पोज ऑफ करेगा। और यदि किसी का टेम्परेचर दो बार चेक करने पर भी हाई आता है तो उसे टोकन दिया जाएगा। और वो ऐसे लोग जो कोविड प्लस हो सकते हैं, अभी उनका मतलब तय नहीं हुआ है कि वो कोविड प्लस हैं, ऐसे लोगों को टोकन देके भेज दिया जाएगा और वो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उनसे शाम को वोट करवाई जाएगी।